विंध्यवासिनी धाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। नया कॉरिडोर बनकर तैयार है और इसी नवरात्र में इसका शुभ उद्घाटन हुआ। मिर्ज़ापुर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ये स्थान है। बस द्वारा वाराणसी और प्रयागराज से ये जुड़ा हुआ है और विंध्याचल नाम का रेलवे स्टेशन भी है और निकटतम हवाई अड्डा प्रयागराज और वाराणसी है। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन के तैयार हो चुका है और आइए इस कॉरिडोर में माँ का मंदिर कैसे दिखता है आपको दिखाते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी नाम सुनते ही मन रोमांचित हो जाता है। आप महामाया साक्षात स्वरूपा हैं और भगवान श्री कृष्ण की अदला बदली, यानी कि जब वसुदेव जी ने अपने 8वें पुत्र भगवान कृष्ण को कारागार में जन्म के बाद ब्रज में माँ यशोदा के पास जाकर उस कन्या को वापस ले आए, वह कन्या महामाया ही हैं। वही महामाया बाद में जब कारागार में वसुदेव पहुँचते हैं तो कंस के सिपाही कंस को सूचना देते हैं कि देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हो गया है महाराज। और कंस आता है और देखता है कि अच्छा, ये कन्या रूप में पैदा हुई है। और कन्या को उठाकर जैसे ही जमीन पर पटकता है, कन्या उड़ जाती हैं आकाश में और उड़कर उन्होंने आकाशवाणी किया कि हे कंस, जिसके लिए तुम तलाश कर रहे हो, तुम्हें मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। और आकाश मार्ग से महामाया वही कन्या यहाँ विंध्यवासिनी धाम में आकर तब से स्थापित हो गई और वो रक्षाबंधन के दूसरे दिन, कजली का त्यौहार होता है, दूसरे दिन माँ विंध्यवासिनी का जन्मोत्सव यहाँ विधि विधान से मनाया जाता है। माँ संगीत की आराध्य देवी हैं, इसलिए यहाँ पर उस दिन संगीत का एक जमघट लगता है और संगीत के जितने भी कलाकार हैं सब माँ के धाम में आकर अपने कला का प्रदर्शन यहाँ करते हैं। ये सदियों से चली आई एक परंपरा है कि कजली वाले दिन माँ विंध्यवासिनी के धाम में कलाकारों का एक जमघट लगता है और उस दिन जी भर के सभी कलाकार अपने संगीत का परिचय देते हैं। गायन, वादन, नृत्य तीनों विधाएं यहाँ पर माँ के दरबार में सजती हैं। अब आइए माँ का दर्शन हम सभी करते हैं और दर्शन के पश्चात आपको बताना चाहूँगा कि माँ के कॉरिडोर में जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, यही माँ के धाम से ही विंध्याचल पर्वत का प्रारंभ है और इसी विंध्य पर्वत के पत्थरों को तराश कर माँ का श्रृंगार कॉरिडोर के रूप में किया गया है। ये कॉरिडोर षटकोणीय है और 6 कोने इसको माँ का, चूँकि यंत्र षटकोण में बना हुआ है, इसलिए माँ के यंत्र का ध्यान में रखते हुए इसे 6 कोनों में विभाजित किया गया है। शासन प्रशासन ने इस कॉरिडोर को बनाने में जी तोड़ मेहनत किया और अभी पिछले नवरात्र में इसका शुभ उद्घाटन किया गया। अभी भी कुछ काम शेष रह गया है जो प्रशासन बचे कुचे कामों को पूरा कर रही है। और माँ का जो मंदिर है वो जस का तस है, लेकिन मंदिर इतना कंजेस्टेड था पहले कि भक्तों को आने जाने में बहुत दिक्कत हुआ करती रही है। उन दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसलिए इस कॉरिडोर का निर्माण हमारी सरकार ने भक्तों के इस समस्या को ध्यान में रखते हुए उन्होंने किया और मंदिर का निर्माण और यहाँ के कॉरिडोर का निर्माण करके माँ विंध्यवासिनी के धाम को अच्छे से सजाया गया है। और इसी मंदिर से कॉरिडोर का एक रास्ता
गंगा तट तक जाता है। जो श्रद्धालु गंगा तट का दर्शन, यजन, पूजन और स्नान करके पुनः माँ का दर्शन करना चाहें तो इसी मंदिर के प्रांगण से होते हुए वे गंगा तट तक जा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद माँ का दर्शन, पूजन और स्नान के पश्चात पुनः माँ विंध्यवासिनी के दर्शनार्थ आकर उनका दर्शन करें। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर इस कॉरिडोर के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। कॉरिडोर हमारी सनातन पद्धति को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा बनाया गया है। इसके ऊंचे ऊंचे स्तंभ और स्तंभ के ऊपर किए गए पच्चीकारी और नक्काशी वाकई में देखते बनता है। शासन ने इस स्तंभ के ऊपर देखिए, स्तंभ का शुरुआत हमारा जो सनातन पद्धति में जो जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उनको डालने का पूरा प्रयास किया है। माँ का प्राचीन मंदिर यथावत है लेकिन छह कोण में इस पूरे पूरे कॉरिडोर को बनाकर प्रशासन ने हम सभी को ये समर्पित कर दिया। आने जाने का जो रास्ता है वो दो भागों में विभाजित है और बीच में लाइटेड जो स्तंभ बनाए गए हैं वो भी अपने आप में अति सुंदर प्रतीत होते हैं। ये माँ का प्रवेश द्वार है, सीढ़ियों को देखिए और प्रवेश का यह स्तंभ देखिए, ये स्वागत करता हुआ हमारा स्तंभ माँ के प्रवेश द्वार का है और यहीं से हम सभी श्रद्धालु दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद एक बड़ा सा प्रांगण आता है जहाँ पर निःशुल्क जूता चप्पल रखने की व्यवस्था है और सुलभ कॉम्प्लेक्स का भी एक व्यवस्था यहीं पर दिया गया है। आप चाहें तो जनरल व्यवस्था यहाँ नहाने धोने और शौच की व्यवस्था यहाँ पर ही किया गया है। इसके बाद सीधे आप माँ के दर्शनार्थ या गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं। दोनों सुविधा यहीं से विभाजित होती है और ये कॉरिडोर वाकई में माँ विंध्यवासिनी के धाम को चार चांद लगा रहा है। सितारों से सजाया गया है, विंध्य पर्वत के पत्थरों को भी गौरव प्रदान किया गया है इस कॉरिडोर को बनाकर। तो ये कॉरिडोर वाकई में विंध्याचल का जो पुराना कॉरिडोर था उसको और अच्छी तरह से बनाया गया है। तो चलिए अब हम आपके बीच शासन प्रशासन को धन्यवाद देते हुए, कॉरिडोर बहुत सुंदर है, आइए आप इस कॉरिडोर को भी देखिए और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन भी करिए। बोलिए जय माँ विंध्यवासिनी। माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर वाकई में बहुत सुंदर बना है और आप सभी एक बार फिर कॉरिडोर भी देखिए और माँ विंध्यवासिनी से भी मिलिए। जय माता दी।